रितेश भैया की एंट्री हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं जा रहे हैं भैया मीडिया। हम लोग कौन आ चुके भैया, डायरेक्ट मंच पे एंट्री करते हैं, लेकिन सारे लोग बाकी लोगों से आग्रह करेंगे कृपया मंच पे। रितेश पांडे जी के साथ उनका आए साथ में आए हुए अभिभावक का भी स्वागत अभिनंदन है। क्या कहने का बोल है दर्शकों को बता दे, गुनगुना दीजिए दर्शकों का, हाथ नहीं लगे लाइट चल रहा है, लाइट चल रहा है भी हम नहीं देखा नहीं नचते में होई गई हो रहे दादा। जेबी चलिए काजल जी आज बताइए आज कितना खुशी है, बहुत ही ज्यादा कितना खुशी है आज का माहौल, काफी ज्यादा बहुत ज्यादा। रितेश पांडे जी आप काफी भोजपुरी में पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन आने वाला कौन कौन फिल्म भी आ रहा है क्या बताइएगा दर्शकों को? आने वाली फिल्म में हमारी सनम मेरे हमराज, और ये बंधन टूटे ना, ठीक है ठीक है। लेकिन आकांक्षा दुबे के हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, एक वीडियो भी रिलीज हुआ है, यह आरोप लगा रही है यानी आकांक्षा दुबे को वही साजिश किए हैं, क्या कहिएगा उस वीडियो के लेकर? कि आप इसको हत्याकांड नहीं कह सकते, हाँ क्योंकि अभी ये न्यायालय में है मामला, हत्या है कि आत्महत्या है ये हम और आप डिसाइड करें, बिल्कुल बिल्कुल वो न्यायालय डिसाइड करेगा। अंकल आप हमारे गार्जियन समान है, अगर आपको ठेस लगा हाथ उठा और भैया दोस्तों अभी हो चुका है मार भैया, इतना ज्यादा क्राउड है, इतना भीड़ है, पटना में इतना मीडिया है कुछ कहा नहीं जा सकता है, मतलब कम लोग के बुलाते तो बढ़िया होता है, इतना भीड़ लग गया ना भैया, कोई सुनने को तैयार नहीं है, सब भीड़ लगा दे रहा है, कोई फोटो खिंचाने के लिए, कोई न्यूज माइके घूर दे रहा है, ऐसे थोड़ी होता है यार। अभी रत्नेश भैया जिसके मान जाएंगे वही बच पाएगा, सब साइड रहेगा। कृपया रत्नेश जी के बातों को माने हमारे क्रिएटर, और तभी जल्दी जल्दी हो पाएगा। भैया किस किस में तो दोस्तों इवेंट खत्म हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं भैया अपने रूम पे।